और ये मतलब कभी शर्माया नहीं हमारे साथ, मतलब पढ़ाते हुए भी पढ़ते हुए भी इसने दिहाड़ी मजदूरी करके मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की। जी सर। हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है थाकत जस। तो इंटरव्यू की सीरीज़ में आज हम इंटरव्यू लेके आए हैं पीजीटी कॉमर्स का, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो मेरे साथ में है आज मलखान सिंह सर, जो कि हमारे केवी नंबर वन में पीजीटी कॉमर्स की पद पर कार्यरत है। तो सबसे पहले तो सर, मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। जी, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर का मैं दे देती हूँ, देन फिर हम सर से ही पूछेंगे। सर का नाम जैसे पहले बताया मलखान सिंह है और सर हरियाणा के हिसार से हैं। तो सर अब बाकी का इंट्रोडक्शन आप सभी को बता दीजिए अपने बारे में। जैसा कि मैम आपने बता दिया कि मेरा नाम मलखान सिंह है और मैं यहीं केवी नंबर वन इम्फाल के अंदर एज ए पीजीटी कॉमर्स अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी, मैं एक्चुअली हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट गांव माजरा से हूँ। जी सर। और मैंने एमकॉम बीएड किया हुआ है, एमकॉम मैंने केयू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और एक एमकॉम मैंने मनोन मेनियम सुंदर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से किया हुआ है। अच्छा, आप डबल एमकॉम हैं। जी मैम। जी जी। और मैंने दो बार एच टेट क्वालिफाई किया है। जी सर। दो बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है। जी जी। और उसके बाद मतलब मैं वैसे तो काफ़ी प्रयासरत था। जी जी। लेकिन मुझे एक्चुअली क्या है कि वैसे तो मैंने 2014 में मैंने मेरा कंप्लीट कर लिया था ये सब कुछ, 2012 में किया था वैसे मैंने, लेकिन उस टाइम मेरा एमकॉम में क्योंकि मैं एज ए डिस्टेंस पढ़ा था तो उस टाइम मेरा 50% से कम था। अच्छा अच्छा। तो इस कारण से मैंने इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट मेरा 2014 में हो गया। अच्छा, तो यानी कि जो मतलब पढ़ाई हुई 2014 में कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एक और फिर मतलब साथ में एमकॉम मेरा चल रहा था तो दूसरा एमकॉम भी मेरा साथ में कंप्लीट हो गया था 2014 में। उसके बाद मेरा 2015 के अंदर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। जी सर। उसके बाद फिर मेरा 2017 में फिर से फिर मतलब नेट क्वालिफाई हो गया था। जी सर। और जैसे कि पहले भी मेरा स्टेट क्वालिफाई था, अब ये इस 2018 में जो हुआ था वो भी मेरा स्टेट क्वालिफाई है। और एक्चुअली क्या है कि मैम मुझे केवीएस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। हाँ हाँ। मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता रहा हूँ। जी जी। और इस कारण से मुझे मतलब इसके बारे में केवीएस के बारे में एक्चुअली नॉलेज नहीं थी। अच्छा, जैसे वैसे ही एक बार फॉर्म निकले हुए थे, मैं मेरी जॉब को लेकर के काफ़ी मतलब जब मतलब चिंतित रहने लग गया था। हाँ, हाँ, हाँ। कि मतलब कोई ना कोई जॉब मिल जाए, इतना भाई अभी तो हाँ इतना टाइम हो गया है, इतना मैं पढ़ा लिखा, जैसे कि बोल ही देते हैं भाई कि मतलब आप इतने पढ़े लिखे हो सरकारी जॉब में क्यों नहीं ट्राई करते। जी। तो फिर मैं मतलब मेरी जॉब को लेकर के काफ़ी चिंतित रहने लग गया था। तो फिर मैं अपना ये एक सरकारी result.com है, उसके ऊपर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं उनके एडमिट कार्ड आते हैं उनके बारे में मतलब सब पता रहता है। तो मैंने वहाँ से सर्च करना शुरू किया कि मतलब कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, कौन सी निकली हुई है, किसके लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। तो मैं वहाँ से फॉर्म भरने लगा था। तो मींस आपने केवीएस की जो प्रिपरेशन थी वो वहाँ से आपको केवीएस के बारे में पता चला कि केवीएस है कुछ और वहाँ पे पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है तो मुझे वहाँ जाना है। जी मैम, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही एमकॉम मैंने कंप्लीट किया उसके बाद से ही मैं पढ़ाने लग गया था, यानी कि 7-8 साल मैंने खूब पढ़ाया है, 8-9 साल। तो जैसे पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरा मतलब ग्रुप, जैसे मैं 2015 से जो 2015 की एक वैकेंसी निकली थी हरियाणा गवर्नमेंट में पीजीटी कॉमर्स की, तो वो उसमें मैंने अप्लाई किया। वो मतलब वैकेंसी नंबर 4/2015 था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया तो मेरा रिटर्न तो क्लियर हो गया था। और मेरा लक मान लो कि मैं अनलकी था कि उसमें मतलब इंटरव्यू में फाइनल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब फाइनल जो इंटरव्यू था उसमें मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। और इसके साथ साथ फिर मैंने जैसे ये आया था मेरा 7 जनवरी 2019 में रिजल्ट आया था इसका। जी सर।
तो उसके बाद भी मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उससे उससे पहले जैसे कि दिसंबर 23 दिसंबर को शायद टेस्ट हुआ था हमारा, 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ था पीजीटी कॉमर्स का। तो उस टाइम मैंने मतलब वो केवी वाला भी दिया हुआ था, पहले मेरा नेट का था, बठिंडा से नेट का एग्जाम दे करके नेक्स्ट डे ही मेरा दिल्ली था। तो मैं रातों रात दिल्ली आया केवीएस का एग्जाम देने के लिए, और जब दिल्ली आया तो वो मैंने एग्जाम दे दिया। एग्जाम मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे डिफिकल्ट लगा, मुझे बहुत इजी लगा। जी जी। अच्छा, तो अभी देखिए सर की बातों से हम मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगी। सबकी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमने इतने एग्ज़ाम दे दिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा। अभी आप देख सकते हैं सर ने 7 ईयर्स प्राइवेट स्कूल में काम किया है, इवन बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डिसपॉइंट सब होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखी जो बेस्ट थिंग क्या थी कि कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाए हैं उन्होंने, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे सर को केवीएस का एग्ज़ाम क्या लगा, बहुत ईजी लगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी साथ साथ कर रहे थे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो सर आपको एग्ज़ाम बहुत इजी लगा? हाँ मैडम जी, मुझे एग्ज़ाम बहुत इजी लगा। तो एक चीज़ मैं पहले पूछना भूल गई थी आपसे कि कौन पीजीटी कॉमर्स के, जैसे कि आपने सरकारी result.com पे देखा, तो कौन पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मीन्स बेसिक जो क्वालिफिकेशन होती है, असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, वो क्या होती है? हाँ जी मैम, इस बात को लेकर कि कोई भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। जी जी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि एमकॉम, एक तो एमकॉम जरूरी है आपके लिए, और एमकॉम में 50% मार्क्स कंपलसरी है। जी सर। एक दूसरा आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड होना, ये दो क्वालिफिकेशन इसेंशियल हैं। जी। और सर यहीं से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि एमकॉम में ओवरऑल 50% होने चाहिए या फिर पर ईयर 50% होने चाहिए? नहीं, ओवरऑल एग्रीगेट 50%। हाँ जी, दोनों सालों के मिला करके 50% आपके होने चाहिए। जी। और एक बात और मैं बता देता हूँ मैम कि कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं, एक एमए मतलब एमकॉम इन मतलब एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स का होता है, जी, जी, जी। तो वो वाले जो बच्चे हैं, यानी कि वो वाले जो एप्लीकेंट हैं, वो पीजीटी कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जी जी। मींस जिन्होंने एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया है, हाँ जी, वो एप्लीकेबल नहीं। जी सर, बस ये एक ही कैटेगरी है जो कि फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती है। तो दो चीज़ें हैं, बीएड होनी चाहिए एमकॉम प्लस 50% मार्क्स से एमकॉम आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर, हमने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। देन हम, चलो आप तो पढ़ा रहे थे तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी था, लेकिन जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो कि फिलहाल फ्रेशर हैं, तो वो जो पेपर है उसको, हमारा जो पेपर है दो पार्ट्स में होता है, एक जनरल पेपर है हमारा 70 मार्क्स का है, तो वो तो सभी को पता है कैसे क्लियर करना है, पर जो मेन प्रॉब्लम होती है जो मेन पार्ट में होती है जो 80 मार्क्स का है, तो उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में बताइए सर। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जो मतलब जो टोटल होता है हमारा जी, वो 150 मार्क्स का मतलब हमारा ये क्वेश्चन पेपर होता है, ये सारा ऑप्शनल आता है हमारा, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे हमको ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। और नेगेटिव सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट है यहाँ पर जो है कि नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं है। हाँ जी मैम, तो इसके लिए क्या करना है हमको कि जैसे नॉर्मल बता देता हूँ, 10 नंबर का हिंदी आता है मैम, 10 नंबर का इंग्लिश आता है, ठीक है मैम, 10 नंबर का जो कंप्यूटर वाला है आपका वो पोर्शन आता है, 10 नंबर का रीजनिंग आता है, और 10 नंबर में 20 की पैडा, 10 नंबर में आता है मैम ये जो जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जीके का, जीके का इसको बोल सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है, और 20 मार्क्स का मैम ये जो पेडालॉजी है ये आ जाता है, यानी कि ये कुल मिलाकर के हमारा 70 मार्क्स का, और जो 80 मार्क्स का है वो सब्जेक्ट कंसर्न होता है। जी सर। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर के काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास कई जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी बच्चे एमकॉम कर गए हैं जी, और बीएड भी कर चुके हैं, तो कई बार कॉल कर लेते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मतलब तैयारी कहाँ से करनी है सर हमें। तो देखिए, इसमें जो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो मेनली आपका जो प्लस वन और प्लस टू जी, आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जी सर, और ज़्यादातर आप ऑप्शनल के जैसे कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं प्लस वन और प्लस टू के, जो मेनली मैम प्लस वन और प्लस टू अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इनके ऊपर आपको मेन फोकस करना है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज मेनली जो क्वेश्चन पेपर आता है
क्योंकि मैंने जो दिसंबर में जो पेपर दिया है एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, मैं ऐसे ही तैयारी मतलब ऐसे ही जो नॉर्मल रूटीन में मैं पढ़ाता था उसमें से ही लगभग आया हुआ था जी सर, तो इसलिए मुझे बहुत मतलब इजी लग रहा था जी जी। और जो मैं यहाँ मतलब बता रहा हूँ कि जैसे जो 11th और 12th अकाउंटेंसी और BST उसमें जो मतलब सारा का सारा जो है बच्चे को बहुत मतलब गहराई से जो मतलब उनके कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट से वो उनको मतलब अच्छी तरह से रीड करना है जी। कि जैसे टॉपिक तो वहीं से पूछता है हाँ हाँ। लेकिन क्या है गहराई से पूछता है मैम, बिल्कुल मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है इजी हाँ है, बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते जी, वो गलत कर देते हैं। ऑप्शनल में मेन मैम दिक्कत यही होती है जी। तो मींस 11 और 12 की NCERT की जो बुक्स हैं हमारी उन्हीं से प्रिपेयर करना है या कोई एक्सटर्नल बुक लेनी है? मैम जैसे कि DK गोयल है जी सर, और जैसे मैंने तो नहीं की है क्योंकि जैसे जो प्रीवियस DK गोयल थी उसमें बहुत सारे जो मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो बहुत सारे आते थे मैम जी सर, जैसे एक चैप्टर के साथ कई कई जगह मतलब 100-150 क्वेश्चन मतलब इसमें मिल जाते थे, उससे वहाँ मतलब बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलती है। अच्छा अच्छा, तो DK गोयल सर की बुक बताई है सर ने, DK गोयल है जी। और जैसे कि उसके BST के लिए VK पब्लिकेशन का है, मैं तो मतलब हमेशा से ही यही पढ़ते हैं मैं। तो ये तो हमने सब्जेक्ट के एरिया प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन सर प्रिपेयर करने के बाद प्रैक्टिस की बात आती है, तो जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपने बोला MCQ क्वेश्चंस DK गोयल की बुक में हैं, तो जब हम MCQs क्वेश्चन लगाने के लिए बैठते हैं जी मैम, तो उसके लिए आप कौन सी बुक्स को प्रेफर करेंगे या फिर हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ या फिर नेट के पेपर्स के साथ करनी चाहिए? देखिए मैम, जो नेट का पेपर है मैं समझता हूँ कि KVS के लिए मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा जी, और जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अभ्यर्थी हैं जो हमारे जो मतलब इसमें KVS में जॉब लेना चाहते हैं JPGT कॉमर्स, तो मैं मानता हूँ कि मतलब उनको मतलब इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी मैम जी सर, और कई बच्चे पूछते हैं कि जैसे सर इसमें ये हमारा एक इनकम टैक्स का पोर्शन होता है सर, ये आएगा या नहीं आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आएगा या नहीं आएगा, ये मतलब एक दो 5-7 क्वेश्चन मतलब ये पूछ सकता है, पूछ सकते हैं हाँ जी, ये मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से है ये पूछ सकता है, एक HRM है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जी सर, और इसमें ये थोड़ा सा ये मतलब अलग टॉपिक है HRM का, तो बच्चों को ये मतलब थोड़ा सा अलग करना चाहिए, ये अलग से बुक भी आती है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर मतलब पब्लिकेशन के सर थोड़ा बताएंगे? ये मैम पब्लिकेशन तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा है MCOM में पढ़ा है और उसका तो मैं नोट्स ही लेके आया था मैम। अच्छा हाँ जी, मैं बुक नहीं लेके आया था जी सर, और वैसे तो ये इसमें शायद MCOM फाइनल MCOM सेकेंड ईयर BCOM सेकेंड ईयर में होता है ये HRM का एक सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल होता है, लेकिन उस टाइम मैंने वो नहीं लिया था जी। तो मीन्स HRM जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे मार्केटिंग है, HRM है, इकोनॉमिक वाला बताया, इनको भी प्रिपेयर करना है, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है एक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मेनली यहाँ से बहुत पूछा जाता है। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, और एक जैसे हमारा ये आता है इसमें जैसे ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में, इनसे मतलब बहुत सारा पूछा जाता है जी, और इसका बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है ज़्यादातर जी। हाँ जी, हाँ, तो ये सर ने पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है। अब सर हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए हमें? प्रैक्टिस तो मैम जैसे कि हम जैसे अभी आप नेट से देखेंगे, यूट्यूब से आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं मैम। हाँ, जैसे कि KVS के अभी तक जितने भी PGDT कॉमर्स के पेपर हुए हैं आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस कर रही जी मैम, क्योंकि काफी हद तक सेम ही रहता है वैसे मैं, हाँ, मतलब सेम ही रहता है जी मैम, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी सर ने बता दिया है। और सर आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको कि कैसे प्रिपरेशन किस स्टेज में क्या क्या करे? एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा जी कि जॉब के लिए मतलब देखो जॉब के लिए एफर्ट हर कोई करता है जी, मेनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिसअपॉइंट नहीं होना है जी सर, मेरी शादी के 7 साल के बाद मैंने जॉब अचीव की जी, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, शादी के बाद में हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती जी मैम, मतलब दो दो बच्चे होने के बाद परिवार की पूरी फैमिली जो मतलब पूरी की पूरी फैमिली का जो बर्डन है मैम जी, अकेले मेरे ऊपर ही था जी सर,
तो मैं वहाँ पर छोटे से छोटा फार्म भी मैं भरता था जी सर। तो चाहे मतलब आप पीएन का लगा लीजिए, मैं मतलब इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है कि मतलब पीएन का है कि मैंने पीएन की जॉब नहीं करनी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। देखिए आज के जॉब, आज के टाइम में जो है जॉब बहुत मायने रखती है, वो विशेषकर जो गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट मैंने बहुत किया है, तो सबसे पहले जो मेरा सिलेक्शन हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट ग्रुप डी में हुआ था, और उसके साथ साथ मैं मतलब बिल्कुल लगा हुआ था। मैंने वहाँ जैसे मैं जाता था, मेरे को 2-3 घंटा टाइम मिलता था, तो मैंने वहाँ पे जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था जी। मैं 2 महीना हिसार में रहा जी। तो वहाँ पर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, जैसे ही मेरी छुट्टी होती थी मैं, तो जैसे मेरी छुट्टी होती थी 5 बजे, 5 से लेकर के 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता था। तो उसके कारण मेरा क्या हुआ कि जैसे ग्रुप डी वाला पेपर क्लियर होगा, मेरा रेलवे वाला मतलब जो वो था वो मतलब ऑलरेडी क्लियर था, ये मतलब कलर्क वाला भी मैम अभी क्वालिफाई है, तो मैं स्क्रूटनी पे नहीं गया हूँ। वैसे मेरे 65 मार्क्स हैं उसमें कलर्क वाले में, वैसे मेरा श्योर सिलेक्शन था, तो मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे करनी नहीं है मैम, इससे बढ़िया जॉब और क्या मिलेगी। तो मीन सर की बातों से एक चीज़ हम देख रहे हैं, एक तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। देखो लाइफ में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या सोचते हैं उसको। जॉब जो भी होती है, अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये तो सर का प्रिपरेशन एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपने वैल्यूबल टाइम में और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके उनको। तो मैम एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ जी, कि जैसे कई क्या होते हैं कि कई को जैसे सहारा नहीं होता जी, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे सहारा नहीं था, क्योंकि मतलब मेरे माँ बाप हैं तो सब कुछ है जी। हालांकि कमा नहीं सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं माँ बाप का बहुत सहारा मानता हूँ। और जो मैंने यहाँ तक जो अचीवमेंट की है, मैंने बेसिकली मतलब मजदूरी से लेकर के मतलब छोटे से छोटा काम भी मैंने मैम किया है। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी, जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी, तो मैं एक्चुअली काम पर जाया करता था। मुझे ये मतलब शर्म नहीं थी कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये काम नहीं करना है ये नहीं करना है। जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी कर देते थे हम जैसे ट्यूशन की, तो अगर कोई और अच्छा काम मिलता तो मतलब हम कर लेते थे, ऐसी कोई बात नहीं। और पूरी फैमिली के साथ मतलब मिल करके मतलब तभी मतलब मुझे क्या है कि जैसे आस पड़ोस वाले अभी भी मतलब मुझे मतलब बाई नेम से जानते हैं जी, कि हमारे साथ देखो काम करता था जी, और ये मतलब कभी शर्माया नहीं हमारे साथ, मतलब पढ़ाते हुए भी पढ़ते हुए भी इसने दिहाड़ी मजदूरी करके मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की जी। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो मैं सबसे मतलब हाँ जी, जिनके पास देखो सब कुछ होता है उनके लिए अचीवमेंट चीज अलग होती है, लेकिन जो अपने दम पे हम जमीन से खड़े होके जो ऊपर आते हैं वो अचीवमेंट अलग ही होती है सर जी। मैडम मुझे मतलब इस बात का मुझे मतलब अपने आप में बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ मैं इस बात का कि मतलब मैं एक छोटे से पद से और मतलब इतनी बड़ी मतलब ओहदे पर पहुँचा हूँ और इतने रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जी मैम, जो कि अपने आप में ही केवीएस का एक अलग से नाम है। और एक और है कि मतलब जो मिलने के बाद किसी को घमंड नहीं करना चाहिए जी सर, बिल्कुल अपनी जो पुरानी बातें हैं अपना जो बैकग्राउंड है उसको याद रखना जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आपको सर के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम सर का इंटरव्यू भी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। नमस्कार।